Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next question is, give a comparative account of classes of fungi under the mode of nutrition or mode of reproduction. Fungi ki four main classes kaun si hain? Phycomycetes, escomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes. Phycomycetes ki baat karein, uske example hain rhizopus and albugo. Aap side mein dekh sakte hain, rhizopus grow ki hai tomato mein and albugo niche wali slide mein, niche wali figure mein dekh sakte hain. Inka mode of nutrition kya hai? Phycomycetes obligate parasites hote hain, means wo kisi aur organism pe rehke unse nutrition lete hain, unhe harm pahuncha kar. Kahan milte hain? They are found on plants or on decaying matter, jaise ki wood. Inka mode of reproduction asexual bhi ho sakta hai aur sexual bhi ho sakta hai. Asexual mein kaise hota hai? Through motile spores, jo zoospores hote hain, aur non-motile aplanospores. कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एंडोजीनसली इन स्पोरांजियम. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है? आइसोगैमसली और एनाइसोगैमसली और ओगैमस टाइप की होती है. आइसोगैमस टाइप में क्या होता है? जो गैमेट्स होते हैं वो देखने में सिमिलर होते हैं, उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा मेल है या कौन सा फीमेल है, बट उनके जो फंक्शंस हैं वो दोनों के डिफरेंट होते हैं. बट इन एनाइसोगैमस एंड ओगैमस दोनों देखने में डिफरेंट होते हैं, कभी भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दैट ये मेल है या ये फीमेल गैमेट है. इनके फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोस्पोर. तो फाइकोमाइसीट्स में हमने देखा न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है. नेक्स्ट हम बात करें एस्कोमाइसीट्स की. इसके एग्जांपल हैं पेनिसिलियम, एस्पर्जिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा. इनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है? दे आर सैप्रोफाइटिक. ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे न्यूट्रिशन उन पे डिपेंडेंट होते हैं. डीकम्पोजर्स भी होते हैं और पैरासिटिक कॉप्रोफिलस भी होते हैं. कॉप्रोफिलस क्या होता है? जो डंग पे ग्रो करते हैं. दे ग्रो ऑन काउ डंग्स और बफेलो डंग, किसी के भी डंग पे ये ग्रो करते हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये भी एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स जो एक्सोजीनसली प्रोडक्शन करते हैं. इसका एग्जाम्पल है कुनीडिया. वेयर एज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है थ्रू एस्कोस्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनसली इन सैक लाइक एस्काई और अरेंज होते हैं इनसाइड एस्कोकार्प्स. एस्कोकार्प्स क्या होते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं. एस्कोमाइसीट्स में क्या देखा हमने? ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और डीकम्पोजर्स भी होते हैं. इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअली भी होती है और सेक्सुअली भी होती है. नेक्स्ट बिसीडियोमाइसीट्स की बात करें, इसमें आता है अस्टिलागो, अगारिकस एंड पिचिनिया. अब इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दे ग्रो एज डीकम्पोजर्स. कहाँ पे? इन सॉइल और ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स. ये पैरासिटिक भी होते हैं इन प्लांट्स, कॉज करते हैं कुछ डिजीजेस लाइक रस्ट एंड स्मट्स. यू कैन सी यहाँ पे जो कॉर्न है उसे अस्टिलागो ने इफेक्ट किया है, इन्फेक्ट किया है. नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें भी एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली होती है. दो इनमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी में सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करता है, जिसकी वजह से वो डाइकैरियन बनाता है जो गिव राइज टू बेसिडियम. और फोर बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड वन बेसिडियम. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं. हमने बेसिडियोमाइसीट्स में देखा वो डीकम्पोजर्स एज वेल एज पैरासाइट्स की तरह एक्ट करते हैं. इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है. दो इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन,
और सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, बट इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय प्लाज्मोगैमी जो डाइकैरियन बनाता है और फर्दर बेसीडियम में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज ड्यूटीरोमाइसीट्स। ड्यूटीरोमाइसीट्स में आते हैं ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड पोलेटोट्राइकम। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, दे आर सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स एज वेल। दे ऑल्सो एक्ट एज डीकम्पोजर्स ऑफ लीफ लिटर। हमने क्या देखा, ये सेप्रोफाइट्स हैं, पैरासिटिक हैं, डीकम्पोजर्स भी हैं। इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स, क्योंकि ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स जिन्हें कुनीडिया बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन ड्यूटीरोमाइसीट्स। यू कैन सी लीव इन्फेक्टिंग ऑल्टरनेरिया एंड कोलेक्टोट्राइकम इज इन्फेक्टेड बाय इन्फेक्टेड मैंगो। सो हमने सबके मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन देख लिए, किसमें क्लासिफाई हुए थे ये फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसीडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटीरोमाइसीट्स, जिनमें ड्यूटीरोमाइसीट्स सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है।